देखिए, आपका कहना है कि लॉकडाउन इस स्थिति में लगाना चाहिए कि नहीं। मेरा जहाँ तक मानना, मेरा सोच है कि 2020 में भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसको कोरोना कोविड के कारण जो हमारे देश में ना फैले, और उसको 15 दिनों के लिए लगाया गया। धीरे धीरे 1 महीना करते करते 4 चरण में उसको लगाया गया था। लगभग वो 4 से 5 महीने तक लोग प्रभावित रहें और घर में रहें। सभी को, कितनों के काम काज जो छूट चुके थे, गरीब जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले थे, वो लोग भी अपने परिवार को बहुत मुश्किल से कमा कमा कर और किसी तरह अपना भरण पोषण बच्चे लोग को करते थे। ये कोरोना कोविड अभी तक वो लगातार दे हमारे भारत देश में बना रहा, और ये भयानक रूप अब भयानक पर अभी की जो स्थिति है कि अगर सरकार पुनः अगर लॉकडाउन लगाती है, जो ये तो सरकार ही स्थिति को देख सकती है, आंकड़ा देख सकती है कि लॉकडाउन लगाना है पड़ सकता है कि नहीं। पर अगर किसी कारणवश अगर लॉकडाउन लगाती है सरकार, तो सबसे पहले बिहार सरकार, भारत सरकार, ये उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि लॉकडाउन लगाने से पहले जो भी हमारे बच्चे हैं उनके स्कूल का फीस, कॉलेजों का फीस माफ हो, बिजली माफ हो, पानी माफ हो, जो भी ऋण है जिसके ईएमआई है, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, वो माफ किया जाए। क्योंकि ये दबाव हमेशा बना रहता है। पिछले साल में सरकार द्वारा बताया गया था कि स्कूलों में फीस नहीं लगेगा, किराएदार अपना दुकान और मकान का पैसा नहीं लेंगे, फिर भी जबरदस्ती वो लिया गया। बैंक द्वारा भी बहुत ऐसे हैं कि ईएमआई लिया गया है। तो ये केवल आदेश दिया गया है, पर उसका झेलना पड़ा, जिसका रोना कहाँ रोए। जनता ने उसको किसी तरह उसको मैनेज किया, पर अब लॉकडाउन लगाया जाता है तो सबसे पहले ये सब सुविधाएं को सरकार सख्ती से आदेश पारित करे। माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया था कि किराया नहीं लिया जाए। प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्यों में यह घोषणा करें कि किराया नहीं लिया जाएगा, स्कूल फीस नहीं लिया जाएगा, उसके बाद भी जबरन पैसा लिया गया है, इसको ध्यान में दे कि कोई भी आम जनता, गरीब, आम निम्न वर्ग के लोग शौक से अपना जीवन खतरे में नहीं डालता। वो कोविड को, जानबूझ कर बीमारी को नहीं लेना चाहता है, क्योंकि पर वो आज वो घर से नहीं निकलेगा तो उसके बच्चे, बीवी, परिवार, माँ बाप का पेट कैसे पाल सकते हैं। तो इसको सरकार ले, इसको कागजाती पर ही और मीडिया में ही इसको ना करे, इसको सख्ती से आदेश पारित करे और तुरंत एकता या कोई ऐसा आयोग बनाए जहां पर कोई भी अगर इस तरह का सरकार के आदेश का अवहेलना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए और उसके तुरंत उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए, चाहे उस पर जल्द जल्द कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो ही भारतवासी, बिहारवासी समस्त आपके सरकार के आदेशों का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और इस कोरोना के चैन को